जियोलॉजिकल टाइम स्केल या भूगर्भिक समय सारणी कि पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न चीज़ें हैं उनके बनने का समय कैसे बनी, कब बनी। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 से 18 बिलियन वर्ष पूर्व और प्रथम चट्टान की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व आंकी गई है। प्रथम चट्टान को ग्रीन स्टोन रॉक कहते हैं जो ग्रीनलैंड में प्राप्त हुए हैं। भूपरपट्टी का निर्माण 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व, वायुमंडल का निर्माण 2.8 से 3 बिलियन वर्ष पूर्व, समुद्र का निर्माण 2 से 3 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। वायुमंडल एवं समुद्र के निर्माण को द ग्रेट टेक्टोवोल्केनिक एज कहते हैं। पृथ्वी प्रारंभ में एक अग्निपिंड थी जिसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस या सूर्य के बराबर था। कालांतर में शीतलन की प्रक्रिया से पृथ्वी का ऊपरी सतह सोलिडिफिकेशन हुआ, संघनित हुई, जिससे प्रारंभिक भूपरपट्टी बेसाल्टिक संरचना से युक्त प्राप्त हुई। जबकि आंतरिक कोर का तापमान एवं भू रासायनिक प्रक्रियाएं उच्च ताप एवं समन्वय ऊर्जा प्रवाह से युक्त थी। ताप प्रवणता बल के कार्य करने से आंतरिक ऊर्जा ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में उत्सर्जित हुई, जिसमें CO2, CO व N2 सल्फ्यूरिक कंपाउंड गैसेज और वाटर वेपर उत्पन्न हुए, जिससे प्रथम वायुमंडल का निर्माण हुआ। पृथ्वी की शीतलन से एनर्जी मास में परिवर्तित हुई, जिससे गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि हुई तथा वायुमंडलीय गैसों का गुरुत्व क्षेत्र में बंद गई। जलवाष्प के शीतलन और संघनन से बादलों का निर्माण हुआ तथा लाखों वर्षों तक वर्षा होती रही, जिसे द ग्रेट डेल्यूग कहते हैं। जल कण से कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर बेसल में कार्बोनिक चट्टान के रूप में निक्षेपित हो गया एवं आसमान स्वच्छ हो गया। क्रेटर में वर्षा के जल के द्वारा जमाव से छिछले बेसिन का निर्माण हुआ, क्योंकि एक क्रेटर दूसरे क्रेटर में मर्ज हो गया। छिछले जल में कुछ विशिष्ट कणों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अमीनो एसिड का निर्माण हुआ एवं उनमें स्वयं को विभाजित करने की क्षमता विकसित हुई। इस प्रकार प्रथम एक कोशिकीय या जीव पादप वर्गीय रूप में उत्पन्न हुए। भूगर्भिक समय सारणी को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और क्वार्टनरी। पैलियोजोइक को प्राथमिक, मेसोजोइक को द्वितीयक, सीनोजोइक को तृतीयक और क्वार्टनरी। पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन जिसको 48 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑर्डोविशियन 42 करोड़ वर्ष पूर्व, सिल्यूरियन 38 करोड़ वर्ष पूर्व, डिवोनियन 32 करोड़ वर्ष पूर्व, कार्बोनिफेरस 28 करोड़ वर्ष पूर्व और परमियन 22 करोड़ वर्ष पूर्व समय आंका गया है। मीसोजोइक में ट्रियोसिक का समय 18 करोड़ वर्ष पूर्व, जुरेशिक का 16 करोड़ वर्ष पूर्व और क्रिटेशियस का 12 करोड़ वर्ष पूर्व आंका गया है। सीनोजोइक में पैलियोसीन का 90 लाख वर्ष पूर्व, ईओसीन का 65 लाख वर्ष पूर्व और ओलिगोसीन का 45 लाख वर्ष पूर्व, मायोसीन का 25 लाख वर्ष पूर्व और पैलियोसीन का 10 लाख वर्ष पूर्व समय आंका गया है। क्वार्टनरी में प्लिस्टोसीन 2 लाख वर्ष पूर्व, होलोसीन 10,000 साल पूर्व और वर्तमान में जो चल रहा है एंथ्रोपोसीन, जो वर्तमान तक है 10,000 साल से लेकर वर्तमान में जो चल रहा है उस समय को एंथ्रोपोसीन कहा जाता है। ये अलग अलग जो युग हैं इनमें क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई अलग अलग रूप में। जैसे प्रोटोरोजोइक था जिसमें प्रथम पर्वत निर्माण हुआ, जैसे अरावली अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि। कैम्ब्रियन काल में छिछला समुद्र थल भाग पर कोई जीव नहीं था। ऑर्डोविशियन में द्वितीय पर्वत निर्माण काल कहा जाता है इसको। इस काल में पर्वत कैलिडोनियन पर्वत कहलाते हैं, जो पर्वतों का निर्माण हुआ उनको, जैसे न्यू इंग्लैंड रेंज है, नॉर्वे के पर्वत। डिवोनियन काल को फिश एरा भी कहते हैं। पर्वत कैलिडोनियन का निर्माण बंद हो गया इस काल में। कार्बोनिफेरस कोयला युग कहते हैं, पेंजिया की उत्पत्ति हुई इसमें। परमियन तृतीय
पर्वत निर्माण काल कहते हैं, जिसको इस काल में जो पर्वत बने उनको हर्सीनियन पर्वत कहते हैं, जैसे यूराल, अल्पेशियन, ड्रेकन्सबर्ग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ट्राइएशिक मांसाहारी जीवों का काल कहलाता है, जुरेशिक डायनासोर का काल कहलाता है, क्रिटेशियस चूना पत्थर का निर्माण, बेसाल्टिक लावा पत्थर पठार का निर्माण आदि, जैसे दक्कन का पठार। टर्शियरी चौथा पर्वत निर्माण काल कहलाता है, जिनको अल्पाइन माउंटेन कहते हैं, जैसे नवीन वल्लित पर्वत हैं, हिमालय है, रोकी है, एंडीज है आदि। पैलियोसीन जिसमें एंडीज का निर्माण पूर्व हुआ, ईओसीन जिसमें रॉकीज और आल्प्स का निर्माण पूर्व हुआ, ओलिगोसीन जिसमें वृहद हिमालय का निर्माण पूर्व हुआ, मायोसीन जिसमें लघु हिमालय बना, प्लायोसीन जिसमें शिवालिक और विश्व के ब्रह्मस घाटी और झील का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो ये जो काल हैं पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ये सारे के सारे नवीन वलित पर्वतों के निर्माण के काल हैं, जिसको शुरू हुए थे टर्शियरी काल के शुरुआत में। और ये जो उपविभाग हैं इनमें अलग अलग कालों में अलग अलग पर्वतों के अलग अलग स्टेज हैं। प्लिस्टोसिन काल में गंगा का मैदान बना, हिमयुग है वो, और इसको हिमयुग को चार भागों में बांटा गया है, गुंज, मिंडेल, रिस और वुरुम। होलोसिन को मानव युग कहा जाता है, एंथ्रोपोसिन को औद्योगिक क्रांति और नगरीकरण का युग कहा जाता है।